हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। आप सब कैसे हैं? फर्स्ट के लगाइए। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। फर्स्ट के लगाइए धीरे से। गुड, बढ़िया। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप सब कैसे हैं? आज फिर से एक नई वीडियो के जरिए और एक नए स्टूडियो के साथ में, जो कि अभी मेरे साथ में मैम है, इन्हीं के साथ में मैं अपनी कार वैगनार कार, जिसका इंजन जो होता है वो 1200 सीसी का इंजन होता है, ठीक है, उस पर आज से मैंने स्टार्ट किया एक नई कार पे सिखाने के लिए। वैगनार कार पे सिखाना स्टार्ट किया है। तो अभी मैम को सिखा रहे हैं हम लोग, एक ट्रैफिक वाले रास्ते पे हैं, एक बिजी रास्ते पे हम लोग अभी चला रहे हैं। सेकंड गियर लगाई मैम क्लच दबा के भूल जाते हो ना? भूलते नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप भूलते हो, कोई नहीं। तो अभी हम सिखा रहे हैं एक बिजी रास्ते पे। तो इस पे हम आपको बताने जा रहा हूँ, इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि कार चलाते वक्त हम लोग कैसे गियर चेंज करते हैं, कौन से स्पीड पे हमें कौन सा गियर लगाना चाहिए और गियर लगाते वक्त हमें कौन सा पैंडल यूज करना चाहिए, ये सारी चीज़ें बताने जा रहा हूँ। और स्पीड को कैसे हम गियर लगाते वक्त स्पीड को भी कैसे हम कंट्रोल करेंगे, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में। बड़ा ही मेमल का स्पीड, बड़ा ही हल्का का स्पीड, गुड। तो आइए पहले हम बात कर लेते हैं अपने स्टूडेंट से, जो कि मेरे साथ में एक नई स्टूडेंट है, मैम है, और बहुत को एक्साइटेड है कि मुझे ट्रैफिक में चलाना है, ठीक है। तो आज हम लोग ट्रैफिक में चला रहे हैं। हेलो मैम, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर शिवांगी। डॉक्टर शिवांगी जी अभी मेरे साथ ड्राइविंग कर रही हैं। ओके, ड्राइव शिवांगी जी, आप कहाँ से मेरे पास ड्राइविंग सीखने आते हैं? राइटिंग करो। मैं राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल से आती हूँ। आप राम मनोहर लोहिया हॉस्टल से आते हैं ड्राइविंग सीखने के लिए, गुड। आज आपका कौन सा डे ड्राइविंग सीखते हो मेरे साथ में? थर्ड डे, गुड, ठीक है। थर्ड डे पे अभी आपने कौन सी कार मेरे साथ में चलाया था पहले? इससे पहले कौन सी कार चलाई थी आपने? वो अल्टो कार थी मैम, भूल जाते हो, गलत बात है, भूलते नहीं है, कोई नहीं। वो अल्टो कार थी, उसका इंजन जो था वो 800 सीसी का था। ये जो आप अभी कार चला रहे हो ये वैगनार कार है, ये 1200 सीसी का इसका इंजन होता है, जिसमें 400 सीसी बढ़ गए, मतलब कि वो 3 पिस्टन की होती है, ये 4 पिस्टन की कार होती है आपकी, ठीक है, गुड। तो अभी आप कौन कौन सा गियर सीख चुके हो थर्ड डे में? मैंने थर्ड डे में 3 गियर लगाना सीखा। कौन कौन सा? फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। गुड, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड गियर सीख चुके हैं और अल्टो कार सीख चुके हैं, अभी आप वैगनार कार चला रहे हो, ठीक है। इससे आगे आपको और भी कारें मिलेंगी चलाने के लिए, ठीक है, गुड, ठीक है। तो अभी आप कौन से रास्ते पे अभी कार चला रहे हो, पता है आपको, आइडिया है इस के बारे में? ये 1090। हाँ जी, लोहिया पथ है, 1090 चौराहे पे अभी आप पहुँच रहे हो, ठीक है, गुड। चलाने पे ध्यान दीजिए, आगे गोल चक्कर मिलेगा बड़ा सा, वहाँ से हम लोग यू टर्न करेंगे, ठीक है, यू टर्न करके हम लोग वापस आएंगे, ठीक है। जैसे कि आपने देखा अभी डॉक्टर शिवांगी जी मेरे साथ में अभी ड्राइविंग करी, इनको आज थर्ड डे हो गया, इन्होंने अभी मेरी कार अल्टो कार चलाई जिसका इंजन 800 सीसी का होता है, अभी ये आज मेरे साथ में वैगनार कार चला रही जिसका इंजन 1200 सीसी का होती है, 4 पिस्टन की कार होती है। तो अभी इन्होंने फर्स्ट और सेकेंड थर्ड गियर इन्होंने सिखा है मेरे साथ में, बाकी अभी कॉन्फिडेंस इनको आ रहा, कंट्रोल इनको आ रहा, धीरे धीरे आएगा, एकदम से तो नहीं आ जाएगा, धीरे धीरे आ रहा, ठीक है। आगे रेड सिग्नल पे टाइमिंग देख रहे हैं ना, 10 सेकेंड है, ठीक है। तो कार आपको खड़ी करना होगा, कैसे खड़ी करोगे एक बार बताइए आप? क्लच, हाँ, देन ब्रेक, ठीक है, उसके बाद फर्स्ट गियर लगा के रेडी हो जाओ दौड़ के, गुड। आप छोड़ो हल्का के क्लच, छोड़ो क्लच, ठीक है। तो जैसे कि देखा था उन्होंने अभी फर्स्ट गियर लगाए ट्रैफिक में खड़े करके, फर्स्ट गियर लगा के और फिर से स्टार्ट किया और बिल्कुल कार में झटके नहीं आए, बिल्कुल स्मूथ कार स्टार्ट हो गई है, ब्रेल का स्पीड, गुड। राइट का सिग्नल मार देना मैडम, स्टेट गुड, पढ़ाते जाओ हल्का का स्पीड, राइट अपल का मैम, राइट अपल का और राइट अपो स्पीड कम करो, राइट अपल का, हाँ राइट में जाना है तो राइट साइड में ही रखो, नहीं तो आप फंस जाओगे ट्रैफिक में, इस ट्रैफिक में फंस जाओगे, फिर इस ट्रैफिक से बाहर नहीं निकलने में थोड़ी सी दिक्कतें होंगी आपको, फिर मैं बताऊँ। गुड, और राइट अपल का सर, इधर गुड, बड़ा हल्का का स्पीड, हाँ गोल चक्कर घुमा के हम लोग वापस जाएंगे, जिस रास्ते से हम लोग आए हैं उसी रास्ते में हम लोग वापस जाएंगे, राइट करो, राइट राइट, वो कार जा रही सामने, देखिए ब्लोरो जा रही ना, हाँ। वैसे जाना, जाते रहो सीधे स्ट्रेट, पढ़ाई का हल्का कर, जाते रहो सीधे स्ट्रेट, जाते रहो। बट अब मैम एक्सल तो छोड़ो मैम, क्लच दबाओ और सेकंड के लगाओ, गुड, पढ़ाई का स्पीड, गुड, सीधे जाते रहिए। अब यहाँ पे हम लोग आगे हैं अपने रास्ते पे, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बीच में चलाएंगे कार को, क्योंकि हमारी जो स्पीड होगी वो 30 और 40 के बीच में होगी, 20 और 40 के बीच में रहेगी, तो हम लोग बीच में कार को चलाएंगे। राइट में जो लोग होंगे स्पीड में ओवरटेकिंग होगी, स्पीड में लोग जाएंगे राइट से, जो स्पीड में जो लोग खड़े हैं वो लेफ्ट में खड़े रहेंगे, ठीक है, और हम लोग आराम से कार को चलाते रहेंगे बीच में, कोई नहीं है, गुड।
तो आप अभी डॉक्टर शिवांगी जी, आप जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो मेरे फ्रेंड हैं, जो आपको देख रहे हैं लोग वीडियोस में, उनसे आप कुछ कहना चाहते हैं मेरे बारे में, मेरे बारे में, मेरी कार के बारे में, या मेरे सिखाने के तरीके के बारे में, और अपने बारे में क्या कहना चाहते हो आप? मेरे बारे में तो कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं आता था 3 दिन पहले, ठीक है? और आप इनके कार सिखाने का तरीका इज वेरी फ्रेंडली एंड बहुत ध्यान से सिखाते हैं। 3 दिन में मैंने बहुत, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया। फर्स्ट डे में बहुत डर रही थी कि मैं कैसे सीखूंगी, क्या करूंगी। मेरे को रेफरेंस तो गूगल से मैंने सर्च किया था आपको, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थर्ड डे पे मतलब आई एम वेरी कॉन्फिडेंट राइट नाउ। आप कैसे रास्ते पे चला रहे हो, कैसे रास्ते पे मैंने आपको स्टार्ट किया अच्छे से सिखाने के लिए? डायरेक्टली आप रोड पे ले गए थे मुझे, बट उस दिन आप जाना नहीं मांग रहे थे मेरे से। हाँ। आप जाना मांग रहे थे फील्ड में, मैदान में, ठीक है, बट ऐसा कुछ नहीं। तो जब भी आप किसी भी रास्ते पे निकलोगे अच्छे कार्ज को चलाने के लिए, तभी आप सही और गलत चीज़ें समझ सकते हो और सही और गलत को कैच कर सकते हो, ठीक है? मैदान में या फील्ड में चलाने का मतलब गलत हो सब सही हो, सारा तो सही हो ही, सही ही होता है, ठीक है? गुड। बाकी कुछ ऐसा नहीं है, कुछ कार को चलाने में कोई टफ नहीं है, बहुत ईजी है। बट जब तक आपको आता नहीं है, जब तक आपके अंदर डर बैठा हुआ, जब तक ये अभी बहुत बड़ा है, उसके बाद ये सारी चीज़ें आने के बाद ये कुछ नहीं है आपके लिए, ठीक है? गुड। क्योंकि हर एक लोग यहीं पे सीखता है, कोई सीख करके कहीं से नहीं आता है। गुड, ठीक है, आगे सुनो। गाइड जाइए, ज़्यादा राइट मत जाना, राइट में वही लोग होंगे जिनको राइट यू टर्न लेना होगा, ठीक है? हम लोग सीधा अपने रास्ते पे जाएंगे। देखिए वो है ना बाइक वाले, इको, मारुति इको वाला जा रहा है, ठीक है? गुड, हम लोग सीधे स्ट्रेट जाएंगे। गुड, हल्का राइट रखना। गुड, पैर अभी आप सही तरीके से रखे हो। गुड, ऐसे ही पैर रखना होता है, ठीक है? मैम कहाँ जा रहे हो आप, गलत बात है, कोई नहीं, स्पीड कम रखिए मैम। स्पीड कम रखिए मैम। गुड, बढ़िया, पढ़ाई लिखा का स्पीड। गुड, पढ़ाई हल्का का स्पीड और बढ़िए। आप एक्सीलेटर छोड़ो मैम, क्लच दबाओ और थर्ड गियर लगाओ, एक बार प्रैक्टिस करो थर्ड गियर की। सीधा आगे करो, सीधा स्ट्रेट आगे करो मैम, और आगे लग गए, छोड़ो क्लच, ट्रायल करके स्पीड। गुड, इसमें गियर भी बहुत स्मूथ लग रहा होगा, ठीक है? स्टेयरिंग भी बहुत स्मूथ होगा, ब्रेक एक्सीलेटर क्लच बहुत स्मूथ होगा, है ना? गुड, चलो बढ़ाओ गियर स्पीड, हल्का सा राइट रखना। कभी भी आपके सामने कोई वाहन जाता हो तो उससे अलर्ट रहा करो, वो कभी भी अपने वाहन खड़ा कर सकता है, कभी भी वो राइट और लेफ्ट टर्न कर सकता है, आपको नहीं समझ में आएगा, तो उससे हम पहले से ही अलर्ट हो जाते हैं पहले से चीज़ों पे, ठीक है? ब्राइल का स्पीड मैम, गुड, ब्राइल का स्पीड। एक ही रास्ते में जो व्हाइट पट्टी बनी है, हम लोग इसी के बीच में रखते हैं, ठीक है? अभी कौन से गियर पे आप कार चला रहे हो मैम? थर्ड गियर की स्पीड क्या है समय? ठीक है, 42 के आसपास है। गुड, ठीक है, बढ़िया, गुड, बस इससे ज़्यादा आपको स्पीड नहीं लेके जाना है, ठीक है? गुड, सीधा पढ़ा लो स्पीड हल्का का। अभी 24 सेकंड है, आप निकल सकते हो, है ना? ग्रीन सिग्नल पे पढ़ाई हल्का का स्पीड। देखो आपके बगल में साँस शाही निकल रहे, ब्रेक पर पैर रखो, सिर्फ हल्का सा, सिर्फ हल्का सा ब्रेक पर पैर रखना होगा बस, छोड़ो ब्रेक अप हल्का का, एक्सीलेट करो हल्का का, एक्सीलेट करो हल्का का। गुड, पढ़ाई करके स्पीड। गुड, पढ़ाई करके स्पीड। गुड, सीधा फ्लाई ओवर आना मैम हम लोगों को, ठीक है? गुड, स्पीड कम रखिएगा। मैम क्लच दबा के सेकंड गियर लगा लो, क्लच दबाओ, पहले पीछे करो फिर लेफ्ट करो फिर पीछे करो, पहले पीछे करो अब लेफ्ट करो मैम, पीछे करो, छोड़ो मैम क्लच,
गुड, ये सेकंड ईयर हो गया मैं। आराम से आपने एक्सेलेटर एकदम दबा दिया मैंने। होटल का फ्लाइट अपना मैम रेल का स्पीड के साथ लेफ्ट टर्न करना, लेफ्ट वाले रास्ते से जाना है। हल्का सा एक टर्निंग है वहाँ पे जाने देना, ठीक है। गुड, बढ़िया चलाया आपने।